हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डार्क नेक की। डार्क नेक की प्रॉब्लम लगभग सभी को होती है, लेडीज हो या जेंट्स हो। डार्क नेक यानी कि हमारे गर्दन का रंग सांवला पड़ने लगता है या तो डार्क होने लगता है, जैसे कि हमारे फेस और नेक की स्किन मैच नहीं होती, जैसे हम अनइवन स्किन टोन भी कहते हैं। और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं आप लोगों के साथ आज एक बहुत ही आसान रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। बिलीव मी फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट टाइम यूज़ से ही आपको अपने स्किन में बहुत डिफरेंस दिखेगा। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अगर आपने नेक में कोई ज्वेलरी डाली हुई है तो उसे निकाल दें। स्टेप वन, क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए हमें यहाँ कच्चा दूध चाहिए। एक छोटी कटोरी में कच्चा दूध निकाल लें। उसे रुई की मदद से अपने नेक एरिया में आगे और पीछे की तरफ लगा लें। हमने यहाँ कच्चा दूध इसलिए लिया है, कच्चा दूध स्किन से जमी हुई मैल को बड़ी आसानी से निकाल देता है। ध्यान रहे, इसे स्टार्ट करने के पहले या तो आप ओल्ड ड्रेस पहने या तो किसी टॉवल या नैपकिन से अपने ड्रेस को कवर कर लें। अब इसे क्लीन वाटर से क्लीन कर दीजिए और एक साफ नैपकिन से पैड ड्राई कर लें। स्टेप टू, स्टीमिंग। इसके लिए आप ल्यूक वार्म वाटर में एक नैपकिन को सोक करके उसे अपने गले पे और बैक साइड ऑफ नेक पे लगा दीजिए। स्टेप थ्री, स्क्रबिंग। इसके लिए 1 स्पून राइस क्लॉथ, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1/2 स्पून लेमन जूस डाल के अच्छी तरह से मिला लीजिए। राइस क्लॉथ रिमूव सन टैन, बेकिंग सोडा हेल्प्स टू रिमूव डेड स्किन सेल्स फ्रॉम द स्किन, लेमन हेल्प्स टू लाइटन एंड ब्राइटन द स्किन। आइए जानते हैं इसे लगाने का तरीका। इसको लगाने के लिए एक यूज्ड लेमन ले लें, उसमें इस मिश्रण को लगा के अपने नेक पे अच्छी तरह से स्क्रब करें। इसे आप 4 से 5 मिनट तक स्क्रब करते रहें। अब यही सेम प्रोसेस नेक के पीछे भी रिपीट करें। ध्यान रहे, इसे स्टार्ट करने के पहले आप अपने बालों को भी अच्छी तरह से ऊपर की तरफ बांध दें। इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें हमारे घर पे आसानी से अवेलेबल होती है और तो और ये सब नेचुरल है। इसके बाद अपनी नेक एरिया को साफ पानी से धो दीजिए और एक अच्छे नैपकिन की सहायता से उसे पैड ड्राई कर दें। मैंने अपनी ज्वेलरी निकाल के रखी थी जिसे मैं अभी पहन रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ब्राइट लग रही है, बिल्कुल खूबसूरत, एकदम गोरी गोरी। मैंने लास्ट में मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाया है, तो लाइव रिजल्ट आपके सामने है। इस रेमेडी से मेरी स्किन स्पॉटलेस, ब्राइट, क्लीन और काफ़ी फेयर हो गई है। तो देर किस बात की, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।